मुसीबत में, लोग परेशानी में, क्यों कोई गुर्दे का मरीज घंटों इंतजार करेगा? कराची शहर की आबादी जिस तरह बढ़ रही है, 4.5-5 करोड़ की कराची की आबादी है, बेतहाशा डायलिसिस सेंटर की जरूरत है जिस तरह यहाँ पर गुर्दे के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हमने फैसला किया JDC ने कि कराची की मुख्तलिफ कच्ची आबादियों में, बड़ी आबादियों में एक एक सेंटर कायम किया जाए 5-5 मशीनों का, और मुखैर हजरात अपनी जानब से, अपने मरहूमी की जानब से वो मशीनें वहाँ लगवाएं, सेंटर हम चलाएंगे और उस इसको पूरे कराची के बाद पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। JDC वेलफेयर फाउंडेशन ने जो ऐलान किया था कि हम कराची में 30,000 मरीजों के 50 मुफ्त डायलिसिस सेंटर बनाएंगे, इस वक्त मैं लियाकताबाद में मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह हो गया है जो कि 600 मरीजों को हर महीने देंगे। इस नेक काम में हमारा साथ दें, हमारी कोशिश है कि हम ईद तक इस टारगेट को पूरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले इमरान असलम साहब का, आप हमारे मुल्क के नामवर अदाकार भी हैं, और आपको पिछले हफ्ते हमने टाइम दिया था लेकिन सानिया मरी हो गया था, उस सिलसिले में सब लोग इन्वॉल्व थे और उस दिन हमारी अपनी भी बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, आपने हमारा इंतज़ार भी किया, उस सिलसिले में आपसे माजरत चाहेंगे कि आपका उस दिन हमने टाइम दिया और टाइम बताया। I can totally understand. सानिया बहुत बड़ा था, आप जिस तरह एक्टिव होते हैं मुझे भी अंदाजा हो रहा था, बट I was waiting कि मैं शायद, बट मुझे 11th hour में फिर बता दिया गया था कि आप लोग उधर मूव कर गए हैं। माजरा था, मैं अंदाजा है आपको हमारी वजह से जहमत उठानी पड़ी। इमरान भाई, सिलसिला कुछ इस तरीके से है, मैं देखने वालों से भी गुजारिश करूंगा, देखें एक बहुत मुश्किल और एक बहुत महंगी चीज़ है जिसके लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं लेकिन स्टेप उठाते हुए घबराते हैं। हमने जब कोविड में राशन की अपील की थी कि जो भी अपना लेटर हेड लाएगा, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, सियासी पार्टी का, कोई किसी का भी लाएगा, जितना राशन लिखा होगा हम देंगे, तो जब हमें पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया और हमने एक एक दिन में 30,000 बोरे राशन बांटा 4 महीने 10 दिन तक, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तानी हम पे भरोसा करते हैं और हम इनके एतमाद पे पूरा उतर रहे हैं, तो हम क्यों ना कोई ऐसा काम करें कि जो जिसने लोगों की जान निकाली हुई है। देखें, एक मिडिल क्लास फैमिली भी है इमरान भाई, आप भी और देखने वाले तमाम लोग, अगर उसके कोई भी घर डायलिसिस पे चला गया तो वो मरते दम तक डायलिसिस पे, या अगर उसका ट्रांसप्लांट हो जाता है तो, और बहुत कम केसेस होते हैं ट्रांसप्लांट हो पाता है, SIUT करता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, या अगर पैसों में करवाते हैं 10,00,000 रुपए का अगर डोनर मिल जाए तो हमने देखा बेचारे मिडिल क्लास लोग अपने माँ, बहन, बेटी, भाई, बाप, बच्चे, किसी का भी डायलिसिस कराने जब प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं तो कोई 10,000 ले रहा है, कोई 15,000, कोई 25,000। अब अगर एक डायलिसिस 25,000 रुपए का हो रहा है, हफ्ते में 3 डायलिसिस होते हैं, तो भाई वो कहाँ से लाएगा हफ्ते के 75,000 रुपए और 15 दिन के 1.5 लाख और 1 महीने के डायलिसिस के 3 लाख, और जिनका डायलिसिस अब लाजमी पता है जिंदगी भर चलना है, अगर कोई आपके फैमिली में और उसकी जिंदगी 15 साल है आगे या 10 साल है, तो बात अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ जब लोगों की आमदनी 50,000-60,000 रुपए है, वो कोशिश करते हैं फिर किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ फ्री में डायलिसिस होता है, लाजमी बात है जहाँ फ्री में होगा वहाँ बहुत बड़ी होती है, वहाँ इंतजार बहुत। अच्छा, डायलिसिस का टाइम जो है बाज़ जगहों पे स्टैंडर्ड टाइम 2 घंटे होता है, वैसे 4 घंटे का अगर डायलिसिस हो जाए तो मरीज के लिए बहुत फायदेमंद रहता है और उसकी जिंदगी का वक्त और बढ़ जाता है कहते हैं इस तरह। तो हमने कोशिश ऐलान किया कि हम हर इलाके में, लांडी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल, गुलशन, लियाकताबाद, फेडरल बीरिया, सरजानी टाउन, खारदर, मीठा, लांडी, कोरंगी, हर जगह डायलिसिस सेंटर खोल देंगे। वो डायलिसिस सेंटर अपने इलाके के मरीजों का 600 मरीजों का मुफ्त डायलिसिस करेगा, 600 डायलिसिस हर महीने। खुदा का करना है लियाकताबाद में खोल दिया, वहाँ पे डायलिसिस हो रहे हैं, दुनिया की नंबर वन कंपनी फ्रिजीनियस की मशीनें लगी हुई हैं वहाँ पर। उसके बाद गुलशन इकबाल में मखसूस साहब थे, उन्होंने अपनी जोजा के नाम से पूरा बंगला डिस्को बेकरी के सामने डोनेट कर दिया, वहाँ भी खुल गया। जिन साहब ने लियाकताबाद में मशीनें दी थी उन्होंने मशीनें यहाँ पर भी लगवा दी। फिर उसके बाद 2 मंजिला अस्पताल जो है वो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज 1 में खोल दिया डायलिसिस का, उसके पहले फ्लोर के ऊपर एक्सरे अल्ट्रासाउंड भी फ्री है, बस कल या परसों में उसका हफ्ता होना है। इसी तरह समनाबाद में हो गया, इसी तरह लियारी में सुई सदरन गैस के साथ हो गया। तो हमारा टारगेट है इमरान भाई कि हम 3,60,000 डायलिसिस बिल्कुल मुफ्त करें, और आप किसी चौक चौरंगी चौराहे पे कहीं भी अभी JDC का जब दस्तरखान देखेंगे, ना वहाँ कोई खैरात भीख इमदाद की तस्वीर लगी होती है, ना किसी चंदे की पेटी लगी होती है, ना हम किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, ना हम लाइनें लगवाते हैं, हम तो कहते हैं भाई पार्सल लो और जाओ घर जाके खाओ। ऐसे ही डायलिसिस सेंटर में भी है, आपने अपने रजिस्ट्रेशन
करा दी, आपको इंतजामिया फोन कर देगी इस दिन इतने बजे आपका टाइम है, फिर उसी हिसाब से हर एक दिन छोड़ के आप आते रहिए, मशीन पे लेटे 4 घंटे में डायलिसिस कराएं घर जाए। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से आप भी इसमें हमारी अच्छा मुझे 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 बताइए डायलिसिस की सिचुएशन, मुझे इतना डायलिसिस का मालूम तो है मगर इतना नो हाउ नहीं है, मतलब जस्ट इन केस अगर किसी को इमरजेंसी है किसी सिचुएशन में, अगर उसको डायलिसिस की बहुत अच्छी जरूरत है तो उसमें फिर उनको अर्जेंसी दिखाया, अर्जेंट बेसिस पे जो है उनका डायलिसिस किया जाएगा आपके इंस्टीट्यूट में, या वो अपने नंबर का इंतजार करते? नहीं, होता इस तरह से जो बंदा डायलिसिस पे आ गया उसकी डायलिसिस है, बिलफर्ज मेरा डायलिसिस है, तो अब मेरा डायलिसिस जी हफ्ते में दो दिन होना है, तो जी तय हुआ पीर को और जुमेरात को, तो मेरा टाइम तय हो गया, मेरा बेड का टाइम है बिलफर्ज सुबह 9 बजे और जुमेरात को है सुबह 9 बजे, तो उस टाइम पे कोई दूसरा पेशेंट नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे बोला गया आगे 3 डायलिसिस है, पीर, बुध, हफ्ता या जुम्मा, तो 3 दिनों में उस टाइम पे वो मेरा टाइम होगा। अब असल में होता क्या, डायलिसिस पेशेंट भी हफ्ते में होते हैं 3 डायलिसिस, महीने में 12। अगर यही काम वो प्राइवेट अस्पतालों में करवाता है तो बहुत ही कोई सस्ता अस्पताल हो तो कोई 9,000 ले रहा है, कोई 10,000 एक ही डायलिसिस के। आप मुझे बताएं आज की इस महंगाई में कौन अफोर्ड कर सकता है महीने का अपने किसी भी प्यारे की जान बचाने के लिए हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए, ये सस्ते अस्पताल की बात? जी जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस तरीके से, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मैं कहूंगा आपने ही उठाया है, और आप उन एरियाज को पिन पॉइंट कर रहे हैं जहाँ पे गरीब गुरबा जो है वो रहते हैं, जो औसत तबका जिसको हम कहते हैं, वहां पे जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं उनके लिए, बिकॉज किडनी जो है, ये जो किडनी का जो मर्ज है, जो जितनी मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च रही थोड़े अरसे पहले तक, बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, उसके पता नहीं क्या वजूहत है, जिसकी बहुत जरूरत है कि हमारे पे डायलिसिस सेंटर हो। इसका देखिए बहुत सारी चीजें इमरान भाई इसके अंदर है, जब एक शख्स जहनी बीमार होगा, जहनी कर्ब का शिकार रहेगा, अजियतों का शिकार रहेगा, डिप्रेशन का शिकार होगा, लाजमी बात है शुगर, ब्लड प्रेशर, बीमारियां होंगी, कौन शुगर की दवाइयां अफोर्ड कर सकता है 6,000-6,000 रुपए 8,000-8,000 रुपए महीना की? नौजवान होते हैं, नहीं नहीं भाई हम नहीं खा रहे 6,000 रुपए, टोटल तनख्वाही 22,000 रुपए, अगर 6,000 अपनी जात पे खर्च कर लेंगे तो घर का राशन कहाँ से आएगा? उनको पता ही नहीं होता कि शुगर सबसे पहले किडनी पे अटैक करती है, उनके ब्रेन पे अटैक कर रही है, उनके हार्ट पे अटैक कर रही है। अच्छा, जिनके किडनी पे अटैक हो गया, अब तो आपको जिंदा रहना है तो आ जाइए जी डायलिसिस के ऊपर, जब तक आप जिंदा है मरते दम तक आप डायलिसिस पे रहेंगे। अब डायलिसिस पे उसकी बीवी किस किस से पैसे मांगेगी कि मेरे शौहर का आज डायलिसिस है 10,000 रुपए दे दीजिए, एक दिन गुजरा अगला डायलिसिस है, और ये मरते दम तक चलता रहेगा। तो हमने तो कोशिश की है पाकिस्तानियों पे भरोसा करके हर इलाके में डायलिसिस सेंटर, और मैं बता दूं ये गरीब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं इमरान भाई, मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड नहीं कर सकती। जी जी बिल्कुल, मकसद जो आपने मुझे नंबर्स बताए हैं कि वो हफ्ते में अगर 3 किसी को है और महीने में 12 है तो कुल मिला के अच्छी खासी रकम बनती है। आजकल जो हमारा हमारी इकोनॉमी का भी जो हाल है, उस सूरत हाल में जहाँ पे आई कैन सी अलॉट ऑफ पीपल, अलॉट ऑफ यंगस्टर्स बेसिकली जो अपनी जॉब्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं मिल रही है बिकॉज अपॉर्चुनिटीज बहुत लेस हो गई है, उसमें इस किस्म की बीमारी का खुदा ना खास्ता किसी के घर में होना अपने आप में एक बवाल है। नहीं मुश्किल है इमरान भाई, ये कि अगर हम अपने अतराफ का जायजा लें तो लोग डायलिसिस कराने के लिए फ्री सरकारी अस्पतालों के बाहर 6-6, 4-4 दिन वेट कर रहे होते हैं, जो लोग दूसरे शहरों से आए महीने यही रहते हैं क्योंकि एक एक दिन बाद डायलिसिस से कहाँ जाएंगे, होटल वो अफोर्ड नहीं कर सकते, किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, फुटपाथों पर रहते हैं, तो और फिर बात ये कराची में 4.5-5 करोड़ की तो आबादी है कराची की, उसको जितना भी छुपा ले कोई, लेकिन है वो तो है, उसी हिसाब से लोगों के ऊपर परेशानियां हैं। तो हम तो इस वक्त ये चाह रहे हैं कि कम से कम एक तो हमारा टारगेट ये है कि हर इलाके का मरीज कि उसको कोई चंदा ना मांगना पड़े, उसको भीख ना मांगनी पड़े, उसको ना फैलाना पड़े, कोई बीवी अपने कार शौहर जो मरीज हो गया बेचारा उसकी उसके लिए लोग दरवाजे खटखटाए जाकर कि मेरे शौहर ने कहा था सब कुछ, अब वही इस वक्त डायलिसिस पे आ गए, क्योंकि यहाँ तो मसला है कि जैसे पेशेंट डायलिसिस पे आता है लोग डराना शुरू कर देते हैं कि चलो भाई अब तो तुम्हारी जिंदगी खत्म, अब तो तुम्हारा सफर मौत की जानिब शुरू हो गया, ये हो गया, तो अब पहले ही बंदा इतना बीमारी का शिकार है आप उसको और डरा दें, और मतलब अजीब, हालांकि पूरी दुनिया में डायलिसिस के मरीज 15-20-25-30 साल तक जिंदा रहते हैं, तो हमारे यहाँ भी निज़ाम ऐसा पेशेंट जो है वो जिंदगी गुजारे अपने बच्चों की खुशियां या अपने जो भी टारगेट से जिंदगी के, ऑफिस दफ्तर जाए डायलिसिस का जो टाइम हो सो डायलिसिस करा ले आके। तो इस पे हम काम कर रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि आप भी किसी दिन टाइम निकालें, आपको लोग जानते हैं सुनते हैं, आप लोग पाकिस्तान का एक अच्छी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाते हैं, तो आप खुद भी आके विजिट करें, देखें कि एक नॉर्मल लड़का जो आईटी इंजीनियर भी है, एक कोई नॉर्मल माँ, एक कोई नॉर्मल फूफी, एक चची, नानी, वो आ रही है डायलिसिस पे और किस तरह लेटती है डायलिसिस की मशीन पे, 3-4 घंटे का प्रोसेस है, उस 4 घंटे के लिए बेड के ऊपर उनका सिंगल सिंगल टीवी भी लगा दिया है कि उस 4 घंटे आप जो देखिए, आप किरत सुन लें, आप नाच सुन लें, आप खबरें सुन लें, जो दिल चाहे, क्योंकि 4 घंटे गुजारना और हर 48 घंटे
घंटे और पूरा आपके जिस्म का खून निकलेगा, मशीन में जाएगा और फिर 300 लीटर पानी आपके जिस्म में जाएगा, फिर वो वेस्टेज में जाएगा, मतलब एक बड़ा दर्दनाक प्रोसेस है। तो हम कम से कम उसका जो सबसे बड़ा दर्द है कि पैसे का ना होना, जी जी वो तो हम खत्म कर ही सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल वो हम खत्म कर सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर आप लोगों की सपोर्ट होगी तो इसका परवरदिगार आलम आपको भी बहुत अजर देगा, और मैं समझता हूँ एक एक फैमिली, एक एक शख्स, एक एक खानदान आपके लिए दुआएं करेगा। अगर आपकी सपोर्ट की बदौलत कोई एक शख्स भी, एक किट भी 3,000 रुपए की डोनेट कर देता है, एक मरीज की एक मशीन डोनेट कर देता है 14 लाख रुपए की, एक पूरा सेंटर बनवा देता है 85 लाख में। हम तो हर कराची के हर इलाके में खोल रहे हैं, आप मैं साथ करा सकता हूँ, आप जिस वक्त आए चले, उसमें 2-3 खुल चुके हैं, बाकी इंशाल्लाह 2-3 इस हफ्ते में खुल जाएंगे बहुत स्पीड में, जैसे जैसे रिपोर्ट आ रही है सरकारी तरफ से, हम तो दे रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो जैसे ओके करते हैं जी आपकी तमाम चीजें ओके, नहीं माशाल्लाह। मैं एक्चुअली इस वक्त लाहौर में हूँ, इंशाल्लाह मेरा कराची बाय द एंड ऑफ दिस मंथ चक्कर लगता है, मैं पर्सनली आपके आपके पास आऊंगा, मिलूंगा भी, और ये बकायदा मैं जो मुझसे बन पड़ेगा जहां जहां आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपको वहां पे मिलूंगा इंशाल्लाह, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए इंशाल्लाह। बस यही आपसे गुजारिश थी और आपकी नॉलेज में डालना था क्या प्रोसेस चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, और आपके जरिए लोगों तक पहुंचाना था। आप लाजमी बात है, आप लोग शोबिस के लोग हैं, लोग आपको पूरी दुनिया में देखते हैं, पाकिस्तानी सुनते हैं, और विजिट कर ले तो आपके कॉन्फिडेंस में 100% इजाफा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं और कितना भारी प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम लेके उतरे हैं। जफर भाई आपकी जो एक प्रोफाइल रही है आपसे, खैर मेरी आज पहली बार इस तरह कह लें कि ऑन कैमरा मुलाकात है, फिजिकली हम आज तक नहीं मिले इन पर्सन, मगर मैंने जितनी भी आपकी प्रोफाइल देखी है मुझे आप पे कंप्लीट फेथ है। आपने अब तक जितना भी काम किया है सबके लिए वो हैट्स ऑफ टू यू, बहुत मुश्किल है जिस सोसाइटी में, जिस माहौल में हम लोग परवान चढ़ रहे हैं, जिसमें हम रहते हैं, उसमें इस किस्म का कोई एक सिंगल आदमी इनिशिएटिव ले जो कि आप हैं, आपने ये कह लें कि बैरियर्स तोड़ के रिवर्स ऑर्डर में आप पीछे गए और चीजों को बेहतर करने की कोशिश की है, आपने बहुत कम लोग हैं इस तरीके से, यू आर वन ऑफ द एसेट्स। लेकिन आप भी अगर आप कराची में रहते हैं तो आप जानते होंगे इमरान भाई, कभी जबान के नाम पे कत्लेआम हो रहा है, कभी मजहब के नाम पे, कभी फिरके के नाम पे हो रहा है। अच्छा रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट ये निकल रहा है कि एक तरफ जिनकी जो मारे जा रहे हैं उनकी बीवियां, जिनको बीवाओं का नाम दे दें आप, चाहे वो किसी जबान की बुनियाद पर मारे गए हो, मजहब के, मसलक के, वो उनके यतीम बच्चे कौन पूछने वाला है उनको, कौन से ऐसे सरकार, कौन से ऐसे फंड है, चलो भाई पुलिस वाला शहीद होता है उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिल गया, इनको क्या मिलेगा, तो इनके शौहर प्राइवेट नौकरियां करते थे, ऑफिस जा रहे थे, पता नहीं किसने मार दिया। फिर उसके बाद एक खबर लेने चले जाओ तो 40,000-50,000 मेन पे मांगो 2.5 लाख, किसी अस्पताल की बात कर लो तो जी वो तो आप अस्पताल लेकर आए थे तो आपको सोचना चाहिए था, 3 दिन का बिल बन गया 3 लाख में, नाम नहीं लेना चाह रहा, 2-3 ही बड़े अस्पताल हैं ऐसी कर देते हैं किसी की भी, और आपकी किसके पास भी कोई आपकी मदद करता है क्या, नौकरी की बात कर, सरकारी नौकरी देते ही नहीं, कहते हैं जी आपके डोमिसाइल पे कराची लिखा हुआ है, नौकरी आपके लिए है नहीं। तो इन मुश्किल हालात में कब्रिस्तान प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जहां पर तमाम मुसलमानों के लिए 1 रुपया चार्ज नहीं होगा, 50 साल तक आपकी खबर कहीं नहीं जाएगी, ऑनलाइन आपके रिश्तेदार बाहर से बैठ के देख सकेंगे और जिंदगी भर वो वीडियो मौजूद होगी। रेडी होने वाले केएमसी ने जगह दी है, इंशाल्लाह इसी 1-2 महीने के अंदर उसका इफ्तिताह हो जाएगा। इसके अलावा डायलिसिस सेंटर, सरजानी टाउन, समनाबाद, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, लियारी, सोल्जर बाजार, इन जगहों पे कुछ जगहों में शुरू हो गए, कुछ जगहों पे 1-2 दिन में होने वाले हैं, 1 हफ्ते में, और बाकी जगहों पे जगह देखी जा रही है, डोनर्स का इंतजार कर रहे हैं, जैसे जैसे डोनर्स आते जा रहे हैं हम उनको खोलते जा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि कोई भी शख्स ये ना बोले अपनी वालदा से या वालिद से कि हम आपका डायलिसिस नहीं करा सकते, आप बीमारी में मर जाएं, क्योंकि हम बहुत मकरूज हो गए अम्मी, आपके मरने के बाद भी हम 10 साल तक कर्जा उतारते रहेंगे जो हमने आपका 2 साल डायलिसिस कराया प्राइवेट अस्पतालों में, क्योंकि लोग क्या करेंगे, पैसा मांगेंगे। देखिए अब सीधी सीधी बात है, मिडिल क्लास लोग तो खाने के लिए अपने जेवरात बेच रहे हैं कि मतलब उनका पता नहीं हो रहा 40,000-50,000 रुपए में, 20,000-25,000 रुपए घर का रेंट है और उसके बाद फिर बच्चों की फीस है, यूटिलिटी बिल्स है, यूटिलिटी बिल्स की जो इदारे भेजते हैं वो किसके कंट्रोल में, उनका जो दिल चाहे भेज देंगे। तो अब तो लोग अपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हारी जो आखिरी चूड़ी रह गई है बेच देते हैं, जब अच्छे हालात होंगे ले लेंगे, बच्चा बड़ा होकर कमाएगा दिला देगा, या अपनी तुम्हारी अंगूठी। इन हालात में मिडिल क्लास फैमिली इस वक्त गुजारा कर रही है, बस ये का बड़ापन है कि खामोश हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, शोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक पैसे वाले आदमी को तो नहीं मालूम कि ये घर का किराया क्या होता है हर महीने 25,000 रुपए, वो तो शायद 25,000 रुपए किसी एक रेस्टोरेंट में जाएं तो 70,000 का बिल बन जाता है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए हर महीने 25,000 रुपए किराया देना या 20,000 रुपए किराया देना अपनी 40,000 रुपए तनख्वाह में से बहुत बड़ी कयामत होती है, या 50,000 रुपए तनख्वाह, फिर उसके बाद बचने वाले 15-20,000 रुपए में पूरा महीना गुजारना, उसी में शादी ब्याह, मरना जीना, आना जाना, दवाई, बच्चों की फीस, जहां नौकरी करते हैं वहां का खाना, नामुमकिन है। तो हम कोशिश कर रहे हैं लोग हद तक भी मुमकिन हो दूर कर सकें, उनके लिए कहा सकें, और बिना तकलीफ।
नहीं बिल्कुल अच्छा काम है, आप बेसिकली लोगों की फलाह के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये आपका बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पे आपने डायलिसिस सेंटर्स खोलने का ऐलान किया, और आप काम भी कर रहे हैं, खुल भी गए हैं माशाल्लाह से बहुत इंशाल्लाह आगे। और जो आपने नंबर बेसिकली बोला है 50 डायलिसिस सेंटर्स, वो सारे मुकम्मल भी होंगे। मैं मतलब कहने को शायद थोड़ी सी रेलिवेंट बात हो जाए यहाँ पे करने के लिए, मैं ये चाहूंगा कि आप कि एक जो पूरी जेडीसी की एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने है, इन्होंने लोगों की फलाह के लिए तो काम किया बेसिकली, अगर कोई बीमार है जैसे आप कब्रिस्तान के लिए भी बात कर रहे हैं या फिर बीमारी को ठीक करने के लिए, बाकी जैसे राशन का कोरोना के दिनों में मुझे याद है आप भी लगे हुए थे, काफी हद तक आप लोगों ने सपोर्ट किया जो हमारे निचले तबके के लोग थे। मैं एक एक, एक आइडिया पेश करना चाह रहा था, व्हाई डोंट यू जस्ट मेक अप सम ऑर्गेनाइजेशन जहां पे इस किस्म के जो लोग हैं इनको काम दिया जाए। मतलब आप जेडीसी का एक फाउंडेशन बहुत माशाल्लाह वक्त के साथ साथ बड़ा होता जा रहा है, आप एक ऐसा इनिशिएटिव भी ले सकते हैं जहाँ पे ये जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं नई पौध जो आ रही है, उनके लिए। इमरान भाई पिछले साल तकरीबन हजारों मोटरसाइकिलें दी लोगों को फ्री में, हजारों, और उनके नाम पे ट्रांसफर करके दिए, सब हमारे पेज पे डिटेल मौजूद है। अभी भी हमें एक भेजा 10 मोटरसाइकिलों के पैसे, एक ने भेजा 20 के, वो भी कल परसों में दे देंगे। इसी तरह ठेले दे रहे हैं लोगों को कि भाई दिन के 1000 रुपए आप कमा लेंगे, लेकिन इतना ज्यादा लोड है। अब बात यह है इमरान भाई, एक शख्स सुबह जा रहा है नौकरी करने, घर का बड़ा है, उसकी पढ़ रही है या 4 बच्चे उसके पढ़ रहे हैं, और वो रात को 8 बजे वापस आ रहा है, 60,000 रुपए कमा रहा है, बच्चों की फीस है 5,000-5,000 रुपए, 3 बच्चों के 20,000-25,000 रुपए किराया, उसके बाद फिर वही राशन के 10,000 रुपए बच रहे हैं। 10,000 रुपए में क्या खाएगा? 850 रुपए का तो 10 किलो वाला आटे का थैला हो गया 2 साल के अंदर, जो 300 रुपए का था। जी ये मुश्किल। अब अगर मैं उस आदमी को कहता हूँ इमरान भाई कि तुम रात 8 बजे आए हो, अब दोबारा नौकरी पे लग जाओ या काम पे लग जाओ, तो ये ज्यादती हो रही है। मैं हम तो रोजाना केसेस डील कर रहे हैं इमरान भाई, मुझे अफसोस होता है जब मैं किसी डबल मास्टर्स लड़के को बोलता हूँ कि ये मैं आपको मोटरसाइकिल दिला रहा हूँ, कल से आप राइडर लग जाइए, निहारी और ये कोरमा और बिरयानी लोगों के घरों में पहुंचाइए जाके, क्योंकि कोई और रास्ता ना उसके पास है ना मेरे पास है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके साथ आपके पास है मौजूद, आप उनको ऑफर कर रहे हैं डेफिनेटली। ऑप्शन भी तो कोई नहीं है ना इमरान, कोई ऑप्शन नहीं है, रास्ता कोई नहीं है बेचारों के पास। आप देखें ना, जो खुदकुशियों का रुझान इतना बढ़ रहा है, हर खुदकुशी के पीछे एक ना एक कहानी है, और कहानी इसी तरह की है, मिलती जुलती, कोई चेंज नहीं है कहानी। ये जी माँ की दवाई नहीं ला पा रहे, माँ ने शोर किया, डांट दिया कि मुझसे अब तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, बेटा रोता हुआ घर से निकला, या बच्चे ने दूध मांग लिया। वो जो कोयटा वाले शख्स ने खुदकुशी की थी यहाँ पर, सिर्फ मखरूज था, 4,000 रुपए का मखरूज था, बच्चों ने कोयटा से उसको बोला कि बाबा सिर्फ आटे के पैसे भेज दे 200 रुपए 400 रुपए, वो 400 रुपए नहीं कर पाया और उसने खुदकुशी कर ली, जला के मार लिया अपने आप को। तो बात ये, लोगों को रास्ता ही कोई नहीं नजर आ रहा कि किधर जाएं, क्या ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि जिससे, क्योंकि अच्छा लोग, ये अच्छी बात है पाकिस्तानियों की कि दिल खोल के मदद करते हैं, और उसमें कराची नंबर वन है कि अपनी बस्तियों में, अपने मोहल्लों में, अपनी बरादरी में लोगों को देखते हैं और सपोर्ट करते हैं, और करना भी चाहिए। मैं समझता हूँ सबसे पहले आपका अपने खानदान वालों पे, अपने मोहल्ले, अपनी बरादरी, अपने रिश्तेदारों को, या जो हल्का अहबाब आपके साथ है ऑफिस दफ्तरों में, उनके लिए। हमारे साथ तो इस तरह भी वाकयात होते हैं कि भाई ये हमारे बैंक का चौकीदार है, इसकी बेटी की शादी है, अच्छा भाई कौन सा बैंक है, कितना स्टाफ है, अरे स्टाफ तो 6,000 लोग हैं, अबे 6,000 आदमी मिलके एक गार्ड की बेटी की आप शादी नहीं करा पा रहे, हमारे ऊपर बटन डालने लाए हो। तो बेहिस लोग भी हैं कि जो मतलब सब कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं, वो अपनी कहते हैं हम किसी से क्यों किसी के लिए मदद मांगे, आप दे। तो हम तो केसेस सारा साल सारा दिन फेस कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर माशाल्लाह वही कहूंगा, मेरे पास तो इतनी कहानियां शायद नहीं होंगी आसपास के, बिकॉज जिन जिन लोगों में मैं रहता हूँ, ऑब्वियसली मेरे पास भी औसत तबके के नीचे निचले तबके के जो लोग हैं मौजूद हैं वो कदर बेहतर है, मगर जो 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 ब्रूटल रियलिटीज आपके पास आती होंगी वो बहुत खौफनाक होंगी आई एम श्योर, जिसकी जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि 400 रुपए नहीं थे उस आदमी के पास आटे के पैसे देने के लिए, जो वो नहीं अरेंज कर सका, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है हमारी सोसाइटी के लिए आई वुड से, कि इस दौर में 2022 है और हम कहने को फिलहाल थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे महंगी तरीन गाड़ियां भी इम्पोर्ट होती हैं, सारा कुछ हो रहा है, अगर एक आदमी जिसको खाना खाने के लिए 400 रुपए अपने घर भेजने थे वो ये मैनेज नहीं कर पाया, ये हमारी इस वक्त की इकोनॉमी की सिचुएशन हो गई है, विच इज रियली रियली सैड। और उसमें वही आपकी वाली बात के बर्डन बहुत ज्यादा है, 4.5-5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है कराची की डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, आप देखें तो कहाँ से शुरू हो गया कहाँ खत्म हो रहा है कराची, अब क्यों नहीं बताते सही फिगर हमें नहीं मालूम, लेकिन काश कभी जिंदगी में कराची को संजीदगी से लिया जाए, कराची की रोडें जिनको, अभी हमारी एम्बुलेंस ड्राइवर ने आज शिकायत की कि हमारे लिए अजाब बन गया है,
तिनहट्टी से मरीज को लेकर गुरु मंदिर तक पहुंचना, कह रहा दोनों रोडें खुदी हुई है और इतने बड़े बड़े गड्ढे कि उसके अंदर हार्ट का मरीज हो तो हम लोग टेंशन में होते हैं एम्बुलेंस के अंदर कि कोई हमारी वजह से मुश्किल ना खड़ी हो जाए। क्या करेगा बेचारा वो? ऐसा तो नहीं मुमकिन के गड्ढों को देख के एम्बुलेंस के अंदर कोई पार निकल आएंगे और वो उड़ के रोड क्रॉस कर लेगी। कराची की मेन मतलब कोई बनाने वाला नहीं है, वो कह रहे हैं जी वफाक की गलती है, वो कह रहे हैं सूबे की गलती है और कराची के लोग रुल रहे हैं। मतलब कराची को जी वो आपस पॉलिटिशियंस तो बेसिकली आपस में लड़ रहे हैं, बेसिकली एक दूसरे पे अपना पलंदा डाल रहे हैं कि उनको करना था वो कह रहे थे उनको करना था, उन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने ये नहीं किया। बिकॉज गाय बगाए मैं न्यूज वगैरह को देखता रहता हूँ, उसमें तो यही आई वुड से पता नहीं मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए नहीं, ड्रामेबाजी चल रही दोनों तरफ के लिए। और कराची जो कि सिटी ऑफ लाइट हुआ करता था वो अब डार्कनेस की तरफ जा रहा है। क्योंकि मैं कहीं भी चले जाएं कचरे ही कचरा है सर, कि लेफ्ट हैंड चले जाएं आप नाजमाबाद चले जाएं लियाकताबाद चले जाएं फेडरल बीरी आ जाएं गुलशन इकबाल चले जाएं औरंगी कोरंगी लांडी बल्दिया कहीं भी चले जाएं सिर्फ कचरा है। जी जी हर तरफ कचरा है और ऊपर से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो और बुरी है। अगर इंसान इन सारे मामलों से बच जाए जिनको आप टेक केयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई वैसे आके लूट के आपको गोली मार के चला जाता है। वो जो अभी लड़के वो के साथ काम करता था बेचारा, उसकी लव मैरिज हुई 26 साल उसकी उम्र थी, पूरी फैमिली आई से, बहन आई थी रक्षे से, माँ उतर रही थी, डकैत छीनने लगे, उसने घंटी बजाई माँ ने, बेटा बाहर निकला, एक ही गोली मारी, यहाँ गर्दन से लगी पीछे से निकली, 2 साल की ब्याही बेवा लड़की जो थी बेवा हो गई, लड़का मर गया। मतलब कोई कहाँ होता है ये सर, सब कुछ कराची में हो रहा है। मकसद ये इसके लिए मुझे नहीं समझ में आता क्या इनिशिएटिव लिया जाए, क्या किया जाए अपने सेल्फ पे। हम बीइंग एन इंडिविजुअल, आपने चले ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, आप बाकी मामलात में लगे हुए, इंडिविजुअल बेसिस पे अगर मैं अपने आप को देखूं बीइंग अ सेलिब्रिटी, मैं भी उसी तरह इनसिक्योर हूँ वहां कराची में जब भी मैं मूव करता हूँ। अभी अभी आई एम इन लाहौर, अभी आई एम इन लाहौर, यहाँ पे सिचुएशन कदरे उस हिसाब से देखा जाए तो बेहतर है, मगर कराची का तो उन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया सर। लाहौर की सफाई सुथराई देख के दिल खुश नहीं होता क्या सर? होता है, मगर मैं आपको इस वक्त की कंडीशन बताऊं कि जो लाहौर के एक्चुअल रहने वाले लोग हैं वो इस वक्त यहाँ की सफाई सुथराई से खुश नहीं है। हम जो कि कराची में रहते हैं, जब हम यहाँ आते हैं तो हमें लगता है कि हम यहाँ हेवन में मौजूद हैं, वैसे हमें हेवन ही लगता है ना जो कराची के रोडों का हाल है, यहाँ पे जो ग्रीनरी हम देखते हैं सारा कुछ, मगर इस वक्त लाहौर का भी एक एक बस स्टॉप सजाया हुआ है, लाइटें हैं, रोशनी है, वहाँ सकाफती रोड पे अक्कासी की जाती है कि भाई अब ये बाहर का मौसम आ रहा है, अब खिजां का आ रहा है। हम तो कराची में एक ही चीज देखते हैं जी, टूटे हुए बोर्ड देखते हैं, टूटी हुई सड़कें देखते हैं, हर चारों मौसमों में गटर का पानी रोड पे खड़ा होता है, ये देख रहे हैं हम तो। मगर सर मैं बताऊं आपको, लाहौर की सिचुएशन भी इज गोइंग वर्स्ट डे बाय डे। वो एक्चुअली ओवर द टाइम इस तरीके से डेवलप हो चुका है कि उसको खराब करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये जा खराबी की तरफ ही रहा लाहौर की। बिकॉज जो लाहौर में पिछले 10 साल पहले या 8 साल पहले या 7 साल पहले का अगर आपको बताऊँ वो बहुत ज्यादा बेहतर और बहुत ज्यादा साफ सुथरा था, इस वक्त लाहौर की कंडीशन भी अच्छी नहीं है। तो मैं मकसद इल्तजा करूंगा हमारी जो ये करंट हुकूमत है, इमरान भाई अगर हम कराची से निकल के जाते हैं लाहौर तो वो तो हेवन है, वो तो है किसी साफ सुथरे शहर में, और वो शहर जिसको कहा जाता था पढ़े लिखे लोगों का शहर, रोशनियों का शहर, समंदर वाला शहर, और जहाँ बीचेस ही बीचेस हैं और क्या क्या कहा जाता था, आज वहां का देखें हाल क्या किया है सर। नौकरी वहां के लड़कों के बंद कर दी है, कहते हैं जी आपके डोमिसाइल पे कराची लिखा है आपके लिए नौकरी नहीं है, मतलब सरकारी नौकरी नहीं देते हैं, यहाँ पर अस्पताल ही नहीं है, वही दो तो कराची कराची में जो रह रहा है उसके लिए कराची में जॉब नहीं है क्योंकि उसकी डोमिसाइल पे कराची लिखा है, ये क्या बात है, कमाल है ना। ये आपको अगर आपके डोमिसाइल पे लफ्ज कराची लिखा हुआ है तो आपके लिए नौकरी नहीं है, एड में लिखा हुआ आता है कि जी कोटा सिस्टम है, अर्बन और रूरल का रूल है, आप अप्लाई नहीं करिएगा, यही तो कमाल है। आपको कराची के लड़कों में कभी कोई लड़का मिला जो बोले मैं कस्टम में नौकरी करता हूँ या मैं नौकरी करता हूँ? भाई कराची का लड़का तो आपको कहाँ मिलेगा जी, वो पिज्जा सप्लाई कर रहा है बाइक के ऊपर, वो जो है वो एनईडी का पास लड़का पराठे बेच रहा है, मतलब आप देखें मतलब किस किस जुल्म पे आवाज नहीं उठा, मतलब हम तो कोशिश करते हैं जो लोगों पे जुल्म हो रहा है हम उस पे आवाज उठाते हैं, उसका नुकसान भी हम उठाते हैं। बारिशों में हमारे 80-80 लोग मर जाते थे, हमने स्टैंड लिया, हमने आवाज उठाई और मारने वालों के खिलाफ FIR कटवाई, उनको 6.5 लाख पोलों के ऊपर फिर बाकी मामला करने पड़े और लोगों की अब जिंदगियां बच रही, अब नहीं मर रहे वैसे लोग, तो हम तो आवाज उठाते हैं, हम खामोश नहीं रहते, हम जहाँ जुल्म होगा लोगों के ऊपर और हमारे पाकिस्तानियों पर हम आवाज उठाते हैं। नहीं बिल्कुल, ये सिलसिला जारी रखिए, मैं भी आपके साथ हूँ, जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो कहीं आवाज उठाने के लिए, कहीं खड़े होने के लिए, मैं इमरान असलम आज आपसे कह रहा हूँ, मैं आपके साथ बिल्कुल आपके बराबर में खड़ा हुआ मिलूंगा, क्योंकि ये जो तकलीफ है मैं अपने सराउंडिंग में देखता हूँ। कराची मेरा शहर है, मेरी पैदाइश वहां की है, मैं प्योर कराची वाला हूँ, प्योर पाकिस्तानी हूँ,
सबसे पहली बात, बिकॉज एक एक चीज हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, ये सब जो एक एक, एक रट में फंस गए हैं ना कि मैं लाहौर वाला हूँ, मैं कराची वाला हूँ, मैं पिंडी वाला हूँ, पाकिस्तानी कोई नहीं बन रहा। पाकिस्तानी सबसे आखिर में आता है, वो भी तब आता है जब आप अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं या आप अपना पासपोर्ट दिखाते हैं, उस पर पाकिस्तान लिखा हुआ होता है, तो आपको बताना पड़ जाता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ। अदरवाइज सब अपने अपने शहर को लेकर उसी के। आप तुर्की चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, हेयर सलून में भी जाएंगे ना, छोटी सी दुकान अगर होगी 10x10 की, तो उसमें दो कुर्सियां बड़ी मुश्किल से रखी हुई होंगी उसने, और एक अपने मुल्क का झंडा लगाया हुआ होगा। जनाब सही है, ऐसे ही ऐसे है ना ही, सर? और बिल्कुल ऐसे ही। जहां आप किसी से बोले भाई आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आपने अपनी सियासी पार्टी का लगाया हुआ, अपने मुल्क का झंडा तो लगा लें, तो वो उसका मुंह नहीं अजीब नाराज हो जाता है। तो बड़ी बात है, लेकिन मैं सर आपका बड़ा पाकिस्तान धन्यवाद को पीछे फेंक दिया करूंगा। ना, मसला यही है, इसी वजह से ये हालात है सर। कराची जो है वो इसीलिए कहते हैं पाकिस्तान का दिल है, दिल का बहुत बुरा हाल है इसमें। ऐसा और ही है वो सर। जो पूरे पाकिस्तान का हाल देखने का, अगर आपको, हमें सबको मौका मिलता है, बहुत सारे, मैं इस वक्त लाहौर में बैठा हूँ, मैं यहीं पे मोस्टली होता हूँ, तो यहाँ पे मोस्टली लोगों को कराची की सिचुएशन के बारे में मालूम नहीं है। अभी भी लोग यहाँ के जो हैं, जो कभी भी कराची नहीं गए, वो कराची को फैंटेसाइज करते हैं, क्योंकि उन्होंने वही पुराना वाला कराची सुना हुआ है जो हमने देखा भी है। बिल्डिंग होती थी बड़ी सी, एक हबीब बैंक प्लाजा की बिल्डिंग होती थी, ऐसे ही ना अभी जी जितनी बड़ी बिल्डिंगे थी उतने बड़े गड्ढे हैं शहर के अंदर, कोई भरने को जी तैयार नहीं। तो यहाँ मुझसे पूछते हैं कि सर बताइए कराची का क्या सिचुएशन है। मैंने कहा यार मैं क्या बताऊँ आपको, फिर मैं ऑब्वियसली झूठ, मेरी बोलने की आदत नहीं है, आपकी वाली आदत है मेरी, मैं सच बोलता हूँ। मैंने कहा यार मैं वहां पे अपने आप को सिक्योर फील नहीं करता पहली बार, और ये एक दुख का आलम है मेरे लिए कि वो मेरा शहर है, मेरा बचपन है, मेरी सब चीजें वहां पे मौजूद है। मैं आज भी कराची में आके काम करता हूँ, लाहौर में भी काम करता हूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं, आई डोंट फील सिक्योर देयर। उसके लिए मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा ये वाली हुकूमत भी, इससे पिछली वाली हुकूमतें भी, और उससे पिछली वाली हुकूमतें भी, जितनी भी आई हैं। कराची को सबने मिलके खाया है, कराची का पैसा कराची में कभी भी नहीं लगा, कराची से पूरे पाकिस्तान ने खाया। 9% रेवेन्यू देता है सिंध का, 90% रेवेन्यू देता है कराची शहर सर। जी बिल्कुल, अगर आप सोचे तो मैं कहता हूं, अगर लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चल रही है ना, तो कराची में तो ऑरेंज जहाज चलने चाहिए थे। नाजमाबाद से लियाकताबाद का अलग जहाज होता, लांडी से कोरंगी का अलग जहाज होता, नई कराची से केवाड़ी का अलग जहाज होता सर। लेकिन इस शहर जी के साथ तो ये जुल्म है। अभी जाकर बस सर्विस शुरू हुई है, उसका भी मुझे मालूम नहीं कि चल रही कि नहीं चल रही। उसमें भी सुबह कह रहा है हमारा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कह रहे हैं वफाक के जी पिछले वालों ने शुरू किया था, वो कह रहे नहीं हमने, मतलब इस शहर के लिए कोई इंटरेस्ट लेने को तैयार ही नहीं है। लेकिन फिर भी बस मैं यही कह सकता हूँ सर, हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे बिल्कुल हैं। फिर मैं आपको, आपके लिए दुआ करेंगे, परवरदिगार आलम आपको और इज्जत दे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, खुदा आपको सेहत दे, तरक्की दे। आपने हमारी बात सुनी 30 मिनट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एनी टाइम, एनी कभी टाइम। आए कराची में आपको जेडीसी के प्रोजेक्ट विजिट कराता हूँ। लाहौर में फिरोजपुर रोड पे आप देख सकते हैं जेडीसी का फ्री दस्तरखान चल रहा है, दिन में 12 घंटे वहाँ खाना होता है, तंदूर लगे और चूल्हे लगे में खाना पार्सल भी दिया जा रहा होता है लोगों को। इसी तरह पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, एहसास प्रोग्राम के बहुत सारे प्रोग्राम हम काम कर रहे हैं, अभी शायद एक दो दिन ठीक हुआ है है, रोक दिया, मालूम नहीं है उसकी डिटेल। तो हम खाना मैं भरपूर पाकिस्तान भर में काम कर रहे हैं सर, आप कभी भी कहीं इंशाल्लाह भी होगी सर। इस मंथ के एंड में इंशाल्लाह कराची हूँ, मैं आपके पास ही हूँ, मैं इंशाल्लाह आऊंगा, आपको विजिट करूंगा, और आपके साथ जितना भी मैं काम करवा सका मैं डेफिनेटली करवाऊंगा। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। सो मच, थैंक यू सो मच अभी भाई, थैंक यू सो मच।